राताबाग निवासी नड़ियावाड पधारे और आप उफला उड़ाकर राधा भाई का आप स्वागत करें, राधा भाई का स्वागत करेंगे, खूब जोर से आप इनका तालियां बजाकर स्वागत करें। बोल एकली में नाथ की, बहुत ही अच्छा। ये लोग तन मन धन से, देखो पुरुष तो काम करते हैं लेकिन महिला का भी उत्साह एक अलग ही होता है। इन्होंने खूब मेहनत करी है इस काम को अंजाम देने के लिए। खूब जोर से आप इनका तालियां बजाकर स्वागत करें दोनों अभी राधा भाई का। इसी क्रम में गीता देवी, श्रीमती गीता देवी, कस्तूभाई का गीता देवी, कस्तूभाई बता रहे, श्रीमती गीता देवी सोलंकी निवासी सांगत आप बता रहे, उनके स्वागत के लिए कस्तु देवी से अनुरोध करेंगे कि आप बता रहे हैं। श्रीमती राधा जी करेंगे, कस्तूभाई आप, कस्तूभाई आप बता रहे, लक्ष्मी भाई निवासी पधराड़ा आप यहाँ बता रहे, लक्ष्मी भाई निवासी पधराड़ा, राजन जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। फोटो वाले मैं कहता हूँ फोटो लेते रहे, फोटो मांगेंगे मेरे से और इनको फोटो भी लेना पड़ेगा। रोशनी देवी गरीबा, श्रीमती देवी निवासी गरीबा पधारे और रोशनी देवी गरीबा आप पधारे। अठी ऊपर साइड में एक रिका श्रीमती कस्तूभाई का स्वागत है राधाबाई द्वारा किया जा रहा है। चलो पधराड़ा से श्रीमती लक्ष्मी देवी का स्वागत भी हमारे राजा जी से द्वारा किया जा रहा है। खूब जोर से आप इनका तालियां बजाकर स्वागत करें। और अब व्यापारी से पधारे हुए रोशनी देवी का स्वागत भी हमारे राधाबाई आप करें। दरीबा से श्रीमती रोशनी देवी, श्रीमती गीता देवी आप फिर फोटो रखे, श्रीमती गीता देवी, कस्तु देवी, आप श्रीमती लीलाबाई, लीलाबाई अम्बाबाई, गायत्री भाई और कमला भाई, मैं आप ये सभी सोलंकी परिवार से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पधारे और राधा जी आपके स्वागत के लिए तैयार है या आपका इंतजार कर रहे हैं। श्रीमती राधा जी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप अति शीघ्र पधारे। श्रीमती लीला भाई, गीता देवी, अम्मा भाई आप पधारे यहाँ। सोलंकी परिवार के मातृशक्ति में दोबारा अनुरोध करूंगा अति शीघ्र पधारे। श्रीमती लीला भाई, अम्बा भाई एवं कमला भाई आप तीन ही, गायत्री देवी आप ही पधारे। आपकी बात मेरे समझ में आ गई। श्रीमती लीला भाई, अम्बा भाई, कमला भाई एवं गायत्री भाई आप अति शीघ्र यहाँ पधारे। अरे जाओ नहीं, और आप गेट जाओ तो मैं नहीं चला। बहुत ही जल्दी इस कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है।
ये आली बजाओ संगठ के कुछ दोस्त आप इनका तालियां बजाकर आप इनका स्वागत करें। श्रीमती गीता देवी, लीला देवी, अम्बा भाई और कमला भाई, बहुत ही अच्छी बात है। आपने काफी मेहनत करके इस कार्यक्रम में को आपने सफल बनाया, और किसी भी कार्यक्रम को करने में पुरुष का जितना हाथ होता है उतना को उतना महिला का भी होता है। खूब जोर से आप इनका तालियां बजाकर स्वागत करें। देखिए अब कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है, कुछ ही देर में स्थानीय पंडाल में पंगत लगा दी जाएगी। कुछ देर आप वेट करें, तब तक मैं एक अहम जानकारी मैं आप सबके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि आदरणीय सत्यानंद जी साहब सम्मेलन में गए, आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता है, और आप एक प्रकार से जनसेवा को समर्पित है। आपके विशेषता बदल में यदि आपके गांव में समाज में आदरणीय सत्यनारायण जी सिमाली साहब का आप नंबर भी नोट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमार होने पर एम्बुलेंस निःशुल्क, खूब जोर से आप इनका तालियां बजाकर स्वागत करें। आदरणीय सत्यनारायण जी साहब सिमाली सिंह का आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बीमार होने पर एम्बुलेंस की आवश्यकता होने पर निःशुल्क ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। खूब जोर से आप पहले मदद का स्वागत करें। इसी के साथ में यदि किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल में किसी प्रकार के डॉक्टर से संबंधित कोई काम नहीं कर रहा है या डॉक्टर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, आप सत्यनारायण जी से कॉन्टेक्ट करें, उसी समय कार्यक्रम का निदान किया गया। और दूसरा एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम इन्होंने हाथ में लिया है, वो एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपने समाज या सांगठ गांव के निवासी यदि किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़े आप इनको संपर्क करें। आप तन मन धन से सहयोग किए हैं, और उन्होंने काफी निराश्रित बालिकाओं का सामूहिक विवाह, एक प्रकार से सामूहिक विवाह आपने आपके कार्यक्रम में दौड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इस बार कितने समय कितने बालिकाओं का आप करवा चुके हो? 11 बालिकाओं का निःशुल्क बालिकाओं का आप निःशुल्क विवाह करवा चुके हैं। और भी यदि अपने समाज में या सागर गांव में यदि ऐसा कोई निराश्रित है, जो बालिका है, जो ब्याह शादी खर्च करने में असक्षम है, वो ऐसे लोग आप उनसे संपर्क करें, और ऐसे पमाशा ऐसे निदान के लिए मैं खूब जोर से मैं इस मंच के माध्यम से आपका सर स्वागत करना चाहूँगा। और सभी मात्र शक्ति और सभी मानवभाव से अनुरोध करूँगा कि आपका खूब जोर से आप ताला बजाकर स्वागत करें आदरणीय सिमाली जी का। अब पंगत पीछे से लग रही है, अब आप पहले आप इससे पूर्व एक दो मिनट आज के इस कार्यक्रम का समापन हो तो मैं हमारे अध्यक्ष महोदय आज के सभा के श्रीमान बंसीलाल जी कछवाहा साहब से अनुरोध करूंगा कि आप दो शब्द उद्बोधन के तौर पर फरमाए। आदरणीय बंसीलाल जी कछवाहा साहब, और आप ही के द्वारा समापन की घोषणा होगी उद्बोधन के तहत। बोले बाला जी महाराज की, बोल पिता जी महाराज की, बोल एकलिंग नाथ की। सम्मान्य मंच, गांव के प्रमुख समाज बंधु पधारे हुए को और समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आपको इस कार्यक्रम के निमित्त जो सोलंकी परिवार ने इन समय के अनुसार बालाजी महाराज के मंदिर की प्रतिष्ठा ध्वजारोहण कलश का जो स्थापना की है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये समाज में ऐसे धार्मिक कार्यक्रम कोई पहले ही लोग कर सकते हैं। एक चार लाइनें महाराणा प्रताप को समर्पित करना चाहता हूँ। राणा के पास नहीं पैसा, पैसे के बिना नहीं सेना, तब भामा साहब रागे लेकर रुपये पैसा देना, वो धन का अवसर आने पर जो त्याग भाव दिखला न सका। ये भी समाज की बालाजी महाराज की प्रतिष्ठा का एक समय था। आज के धर्म संस्कृति जागरण करने के लिए बालाजी महाराज जी सबसे सरल और जल्दी मिल जाते हैं। ऐसे समय में सोलंकी परिवार ने इनको जागृत करके समाज को
ये दिखाया है कि बालाजी महाराज की प्रतिष्ठा करके एक संगठित कार्य करने, एक भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए कि हम संगठित होकर के इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं और समाज को बुलाया, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कार्यक्रम की रचना आगे भी समाज बंधु करते रहे और समाज जागृत होता रहे। और अब भोजन प्रसाद की व्यवस्था चालू हो गई है, आप सब लोग पधारे और भोजन प्रसाद का आनंद लें। जय श्री राम। आदरणीय कछार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो एक प्रकार से हमारे आदरणीय कछार साहब को मैं पिपाचटी समाज की एक अमूल्य धरोहर मानता हूँ, अमूल्य संपत्ति मानता हूँ। और उनके फिर कहें कि इस मंच के माध्यम से मैं कामना करता हूँ, खूब जोर से आप इनका तालियां बजाकर स्वागत करें और प्रभु इनको फिर कहें जो है और ये हमारे बराबर हमारे समाज के बीच में बने रहे और हमें मार्गदर्शन देते रहे, हमें आदेशित करते रहे, ऐसा मेरा मानना है। खूब जोर से आप तालियां बजाकर स्वागत करें। अब मैं सभी मातृशक्ति से अनुरोध करूँगा, केशवलाल जी साहब देवड़ा का गुड़ा, दो मिनट के लिए आप यहाँ फकारे। देवड़ा का गुड़ा श्रीमान केशवलाल जी साहब। सबसे पहले हमारे महिला वर्ग के पंगत लगा देंगे, सबसे पहले मातृशक्ति भोजन ग्रहण करेंगे, यहीं पे पंगत लगा दे आमने सामने। आप पुरस्कार पर ध्यान देंगे, ये एक महाप्रसादी है और महाप्रसादी आप जितना खाए उतना ही लेवे, ऐसा नहीं हो कि खाए का वो डाली जाता है नाली में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बालाजी का प्रसाद है, झूठा कोई नहीं डाले। पुरस्कार करने वाले महानुभाव से अनुरोध करूँगा कि आप उस हिसाब से परोसे ताकि झूठा ना जाए। धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा कार्यक्रम यह रहा और इस कार्यक्रम को आज मंच के इस कार्यक्रम को यही पे विराम दिया जाता है। बोले कि नाथ की।